हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन, सेफ एंड हेल्दी। तो अब जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, आई होप मेरे जर्मनी में 3 साल कंप्लीट हो गए होंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ मैं अपने जर्मनी की ये जो 3 साल की जो अपनी जर्नी है ये शेयर करूँगा, मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस कैसा रहा और मुझे क्या कुछ उसमें पॉजिटिव था, क्या नेगेटिव था, और क्या आपको भी जर्मनी को सिलेक्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ स्टडी, फॉर द पर्पस ऑफ जॉब और एनी अदर पर्पस। सो या आपके साथ अब मैं अपना 3 साल की जो ये मेरी जर्नी रही है ये मैं अब आपके साथ शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले जो भी जर्मनी में आता है, जब वो किसी भी एयरपोर्ट पर लैंड करता है, तो जो सबसे फर्स्ट जो कि मैं एक पॉजिटिव चीज़ बोलूँगा जो वो फेस करता है, वो है यहाँ की पब्लिक ट्रांसपोर्ट। क्योंकि जर्मनी में ऑलमोस्ट हर बड़े सिटी में एयरपोर्ट है, जिस सिटी में एयरपोर्ट है वो उस एयरपोर्ट के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कनेक्शन बहुत अच्छा कनेक्शन होता है। लाइक आपको एसबॉन, जिसको आप मेट्रो बोल सकते हैं, वो होगी। उसके अलावा बस ट्रांसपोर्ट का भी कनेक्शन होगा या किसी एक ना एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कनेक्शन आपको ज़रूर उसके साथ होगा। तो इन केस पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिहाज से जर्मनी इज़ वेरी बेस्ट सिटी, आई वुड से। यहाँ पे आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कनेक्शन काफ़ी हद तक अच्छे मिलते हैं। आपको लाइक फ्यू मिनट्स की वॉक पे आपको मिल सकता है आपके घर से, आपके हॉस्टल से, या जहाँ भी आप रहते होंगे। और जो स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कनेक्शन फ्री होता है इन केस, क्योंकि जब वो अपनी इनरोलमेंट फ़ी पे करते हैं तो उनको उसके साथ ही एक ट्रांसपोर्ट टिकट जो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करता है, तो स्टूडेंट्स के लिए ऑलमोस्ट वो फ्री होता है। लेकिन जो कि जॉब होल्डर्स होते हैं उनको टिकट बाय करनी पड़ती है। और आजकल वैसे जर्मनी में एक न्यू डॉयचलैंड टिकट है जिसका जो कि ऑलमोस्ट 49 यूरो कॉस्ट करती है, जो कि हर पर्सन के लिए है। और उस टिकट से आप पूरे जर्मनी में कोई भी ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं विदाउट हाई स्पीड ट्रेन के। सो एक और चीज़, जब आप एज अ स्टूडेंट जर्मनी में आते हैं या एज अ सिंगल आप जर्मनी में आ रहे हैं फॉर एनी पर्पस, जॉब होल्डर या समथिंग एल्स, तो आपको यहाँ पे अकेले रहना पड़ता है। तो जिसके लिए आपको लाइक एज अ स्टूडेंट आप जब आएंगे तो आप यहाँ पे हॉस्टल लाइफ होगी, जिसमें आपको सब कुछ बनाने आना चाहिए। आपको सबसे पहले किचन से या कुकिंग से रिलेटेड डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती हैं। फॉर्चुनेटली जब मैं आया था तो मैं अक्सर चीज़ें जानता था, मैं कुकिंग करना जानता था और मुझे हॉस्टल में रहने का एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैंने अपने इंजीनियरिंग में जो अपनी इंजीनियरिंग के जो टाइम होता है वो मैंने हॉस्टलाइज रहा हूँ। और उसके अलावा मैंने उसके बाद जॉब की थी, वो भी मेरी ये ऑन साइट प्रोजेक्ट जॉब थी जिसकी वजह से मुझे ऑन साइट रहना पड़ता था। तो इसलिए मुझे हॉस्टल में रहने का एक्सपीरियंस था, मुझे ऐसी डिफ़िकल्टी नहीं आई। लेकिन जब कोई न्यू यहाँ पे आता है तो अक्सर लोगों को होम सिकनेस होती है या कुकिंग से रिलेटेड डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि जो भी जर्मनी में आ रहा है वो कुछ कुकिंग सीख के आए अपने, जब उसको आइडिया हो जाए कि वो जर्मनी में जाने वाला है तो वो साथ ही कुकिंग उसके लिए सीखना शुरू कर दे अपने किसी भी फैमिली मेंबर से, अपनी मदर से, सिस्टर से, या किसी से भी। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होता है जब आप जर्मनी आते हैं। तो यहाँ पे जो स्पेशली मैं स्टूडेंट्स के लिए बोलना चाहूँगा जो हॉस्टल में आके रहते हैं, यहाँ पे जो हॉस्टल के डोर्स होते हैं, आपके रूम डोर्स होते हैं, उनकी एक की होती है। और वो रूम डोर ऐसे होते हैं कि जब आप रूम से कहीं जाते हैं और उसको क्लोज़ करते हैं तो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाते हैं, तो उसकी एक की होती है। और यहाँ पे हॉस्टल की डुप्लीकेट की बनवाना एज इल्लीगल समझा जाता है विदाउट हाउस मास्टर परमिशन, जिसके लिए आपको हाउस मास्टर से या तो परमिशन लेनी पड़ती है या हाउस मास्टर ही आपको डुप्लीकेट की बनवा के देते हैं। लेकिन उसके जो चार्जेस होते हैं वो अराउंड 200 यूरो से 250 यूरो वेरी करते हैं। तो इसके लिए भी आई विल सजेस्ट कि जब भी आप कहीं बाहर जाएँ तो अपनी रूम की साथ ले कर जाएँ। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आप में चीज़ों को भूलने की कोई हैबिट है या समथिंग एल्स, तो उसके लिए एक और वे है कि जब कभी पाकिस्तान या इंडिया वगैरह जाए तो वहाँ अपने की एक डुप्लीकेट कॉपी बनवा लें। तो एक और चीज़ जो मैंने यहाँ पे ऑब्ज़र्व की वो यहाँ की इन्वायरमेंट रिलेटेड है। लाइक यहाँ पे एयर पोल्यूशन बहुत ही कम है। जब भी आप जर्मनी आते हैं फ्राम एनी एशियन कंट्री, तो यू कैन ऑब्ज़र्व अ बिग डिफरेंस इन एयर, बिग डिफरेंस इन इन्वायरमेंट।
तो लाइक यहाँ पे जब भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर या कुछ भी प्लानिंग की जा रही होती है तो उसमें नेचर कंजर्वेशन के लिए स्पेशल रूल्स होते हैं जो कि अप्लाई किए जाते हैं। तो आप ऐसे ही किसी नेचर रिलेटेड चीज़ को आप ख़त्म नहीं कर सकते यहाँ पे जस्ट बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज और इसकी वजह से। तो यस, मैंने ये ऑब्ज़र्व किया यहाँ के ऑल्दो दीज यूरोपियन बिग कंट्रीज़ दे आर क्रिएटिंग रियली अ लॉट ऑफ कार्बन फुटप्रिंट, लेकिन ये उसको उसके ख़िलाफ़ भी ये काफ़ी हद तक कोशिश कर रहे हैं और उसको उसके ख़त्म करने के ख़िलाफ़ भी काफ़ी हद तक कोशिश करते हैं और इन्वायरमेंट कंजर्वेशन में ये काफ़ी हद तक ये कोशिश कर रहे हैं। तो या आप जब यहाँ आते हैं तो आप यहाँ पे इन्वायरमेंट में बहुत बड़ा डिफरेंस फील करेंगे, जो कि मैंने ख़ुद एक फील किया है जब मैं पाकिस्तान जाता हूँ और जब मैं जर्मनी आता हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि पाकिस्तान में कोई गंदगी है या समथिंग एल्स, लेकिन या वहाँ की इन्वायरमेंट, वहाँ की आबोहवा में काफ़ी हद तक चेंजिंग मुझे मिलती है जब मैं ट्रैवल करके बैक टू पाकिस्तान जाता हूँ। तो ये भी मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया। इसी तरह मैं इन्वायरमेंट रिलेटेड आपको एग्जांपल दूँ, जैसा जर्मनी में जो गारबेज को डिस्कार्ड करने का सिस्टम है, दे हैव अ रियली वेल नोन सिस्टम फॉर द गारबेज डिस्कार्ड और उसकी रिसाइकलेबिलिटी से रिलेटेड। यहाँ पे हर चीज़ का अलग-अलग प्लास्टिक, पेपर और रेस्ट म्यूल या उसके अलावा बियो वेस्ट जो होता है, वो सब के अलग-अलग यहाँ पे आपने डिस्कार्ड करना होता है। और या यहाँ पे तो आई वुड से कि गारबेज को भी काफ़ी इज्जत दी जाती है। और इसके अलावा जो कि मैंने एक और यहाँ पे न्यू चीज़ ऑब्जर्व की वो था जर्मनी में फॉन्ट सिस्टम इज़ लाइक जब आप कोई भी प्लास्टिक या कोई भी टिन, लाइक कोक का टिन हो गया, कोई भी आप सॉफ्ट ड्रिंक का एक टिन खरीदते हैं तो उसके ऊपर आपको 25 सेंट एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं जो कि बाद में आपको रिफ़ंड हो जाते हैं। तो उसका बेनिफिट ये होता है कि आपको जगह जगह पे प्लास्टिक बॉटल्स या टिन्स गिरे हुए नहीं मिलेंगे, जो कि एक वेस्ट को कंट्रोल करने का एक आई वुड से कि बहुत अच्छा तरीका है। क्योंकि मैंने और भी कंट्री मैंने विज़िट की यूरोप की और मैंने और किसी कंट्री में अभी तक ये सिस्टम नहीं ऐसा भी देखा, लेकिन जर्मनी मैंने ये सिस्टम देखा। और इस सिस्टम से मैंने ये भी ऑब्ज़र्व किया है कि यहाँ पर आपको प्लास्टिक बॉटल्स और टिन जो होते हैं इनका वेस्ट बहुत कम नज़र आएगा, वो नहीं मिलता। और इसका एक और बेनिफिट जो मैंने ऑब्ज़र्व किया वो ये है कि ये चीज़ बैगिंग सिस्टम को काफ़ी हद तक हेल्प आउट करती है, क्योंकि यहाँ पे बैगिंग को अच्छा नहीं समझा जाता। तो जो कोई भी पार्टी यहाँ पे वीकेंड पार्टी करता है तो वो ये अपनी प्लास्टिक बॉटल्स या जो बियर के टिन्स होते हैं वो एक साइड पर रख देता है, और जो भी नीडी पर्सन होगा वो आके उनको उठाता है और मार्केट से रिफ़ंड करवा लेता है, जिसकी वजह से बैगिंग काफ़ी हद तक कंट्रोल है यहाँ पे और आपको बैगिंग इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। तो ये मैंने एक न्यू चीज़ ऑब्ज़र्व की है। अब मुझे जाना है अपनी लैंग्वेज क्लास के लिए, तो अब निकलते हैं लैंग्वेज क्लास को और अब आपको आगे मज़ीद डिटेल बताता हूँ। तो अभी मैं अपनी लैंग्वेज क्लास लेने जा रहा हूँ, तो इसी से ही मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे लैंग्वेज क्लास, जर्मन लैंग्वेज कितनी इम्पोर्टेंट है सबके लिए, चाहे आप जॉब करना चाहते हैं या चाहे आप स्टूडेंट हैं। और आई वुड शॉर्टली से जर्मन लैंग्वेज इज़ अ की पॉइंट। तो अगर जितना जल्दी और जितना बेहतर आप लैंग्वेज कर सकेंगे उतना बेहतर आप जर्मनी में कामयाब हो सकेंगे। और या ये इसको आप एक पॉजिटिव सेंस में लें तो ये एक आपके लिए एक स्किल भी है, जो कि आप में एक स्किल आ जाएगा लैंग्वेज का। और नॉट ओनली जर्मनी, अगर आप यूरोप के किसी भी कंट्री में जाते हैं तो आपको वहाँ की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली हर कंट्री की एक अपनी अलग से लैंग्वेज है, तो आपको वहाँ पे लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। तो अभी लैंग्वेज की क्लास लेते हैं और फिर आपसे फर्दर डिस्कस करता हूँ। तो गाइस, अभी मैंने अपनी लैंग्वेज क्लास ले ली है। आप जब यहाँ पे आते हैं यहाँ पर लैंग्वेज बैरियर आपको काफ़ी फेस करना पड़ेगा। तो जब मैं आया था तो मैं पाकिस्तान से अपना जो बेसिक लेवल होता है A1 A2 वो कंप्लीट करके आया था। तो आई वुड सजेस्ट कि जो भी यहाँ पे आए वो एटलीस्ट A2 या B1 तक करके आए, इसमें आपका ही बेनिफिट है, क्योंकि यहाँ पे आपको डिफरेंट जगहों पे लैंग्वेज बैरियर फेस करना पड़ सकता है। और जब भी यहाँ पे आप किसी ऑफिशियल
ऑफिशियल ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको जो पहला वर्ड सुनने को मिलेगा वो जर्मन होगा और वो आपको भी यही कहेंगे कि डू बिस्ट इन डॉयचलैंड डू मोस्ट डॉयच स्प्रेशन। तो लैंग्वेज यहाँ पे ज़रूर करके आएँ जितना आपसे हो सकता है। एक और आपको बेनिफिट ये होगा कि आप पढ़ाई के साथ साथ और अपनी जॉब के साथ साथ डिफरेंट कंट्री भी विदाउट वीज़ा विज़िट कर सकते हैं, डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज। तो जैसा कि अभी तक मैंने ऑलमोस्ट लाइक 8 to 10 कंट्रीज़ विज़िट कर ली हैं यूरोपियन की, जो कि जिसके लिए आपको किसी वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती। तो ये एक और बेनिफिट है जर्मनी का। और इसके साथ आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है वो हर सिटीज़न की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। ऑल्दो एक नेगेटिव इफ़ेक्ट ये है कि यहाँ पे आपको टैक्सेस हर चीज़ का बोर्ड टैक्सेस देने पड़ते हैं और उसके अलावा यहाँ पे हर चीज़ की इंश्योरेंसेस होती हैं, लेकिन वो जो आप इतना टैक्सेस देती हैं वो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट आप पे लगाती है आपकी बेटरमेंट के लिए, सिटी की बेटरमेंट के लिए। जैसे इनडायरेक्टली आपको बेनिफिट होते हैं टैक्सेस के रिलेटेड, जो सैलरी टैक्स इनकम टैक्स होते हैं या जो अदर टैक्स हो वो मैं आपको अपने आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अदरवाइज़ आपको एक शॉर्ट फॉर्म बता दूं कि वो टैक्सेस आपकी अपनी बेनिफिट के लिए होता है, जिसमें आपके किंडरगेल्ट हो गया या आपके हेल्थ बेनिफिट के लिए होता है जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस भी कवर हो जाती है, तो ये टैक्सेस उसमें कटते हैं। उसके अलावा आपका अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट होता है, पेंशन होती है, ये सब आते हैं उसके बीच में। तो ऑल दो जर्मनी में टैक्सेस बहुत कटते हैं, लेकिन उसका बेनिफिट भी आप होता है जिसकी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। और जर्मनी की जो एक और अच्छी बात है वो यहाँ का वेल ऑर्गेनाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, लाइक प्राइवेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जैसा कि आप ये देख रहे होंगे एवरीथिंग इज़ वेल मैनेज। यहाँ पे कार्स की अलग लेन है, बस की अलग लेन होती है और साइकिल की अलग से लेन, बाइसिकल की वगैरह के लिए अलग से लेन होती है। और कोई भी रैंडमली ऐसे इन सेंटर से रोड क्रॉस नहीं कर सकता, रोड क्रॉसिंग के लिए अलग पेडिस्ट्रियन सिग्नल्स होते हैं जहाँ से आप रोड क्रॉस कर सकते हैं। जब तक सिग्नल क्लोज है कोई सेंटर से क्रॉस नहीं कर सकता। ये आप देख रहे हैं अब सिग्नल ओपन है और अभी ये पेडिस्ट्रियन सिग्नल से क्रॉस कर सकते हैं, उसके अलावा यहाँ से क्रॉस नहीं कर सकते। और ये एक अलग से आपको बस लेन भी नज़र आ रही होगी। इसके अलावा जर्मनी का जो हाईवे सिस्टम है या मोटरवे सिस्टम है, इट्स वन ऑफ द फास्टेस्ट हाईवे सिस्टम इन द होल यूरोप और आई वुड से इन द होल वर्ल्ड। तो यहाँ पे जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो भी काफ़ी अच्छा वेल ऑर्गेनाइज्ड है। तो गैस जहाँ पे मैंने जर्मनी के इतने आपको प्लस पॉइंट्स गिनवा दिए, वहाँ पे अब कुछ आपको नेगेटिव पॉइंट जो मैंने ऑब्जर्व किए हैं वो है, सबसे बड़ा यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट है अकोमोडेशन फाइंड करना। यहाँ पे अकोमोडेशन फाइंड करना बहुत मुश्किल है, इट्स रियली अ डिफ़िकल्ट टास्क। आपको यहाँ पे अकोमोडेशन के लिए एटलीस्ट 4 मंथ से पहले आपको अप्लाई करना होता है, तो तब जाके आपको अकोमोडेशन मिलने के चांसेस आपके बनते हैं। तो अकोमोडेशन फाइंड करना यहाँ पे बहुत मुश्किल है मेरे अंदाजे से। तो इसी तरह एक और जो कि मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा नेगेटिव है वो है जर्मनी का वर्क लाइफ बैलेंस। ऑल दो जर्मनी का वर्क लाइफ बैलेंस अगर हम दूसरे एशियन कंट्री से कंपेयर करें तो इट्स अ बेस्ट, बट अगर मैं इधर दूसरे कुछ यूरोपियन कंट्री से कंपेयर करूँ तो अभी ये कुछ हद तक लो जा रहा है इफ़ आई कंपेयर विद नॉर्वे, नीदरलैंड या फिनलैंड वगैरह। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रेट की, तो जर्मनी का एम्प्लॉयमेंट रेट सिस्टम पूरे यूरोप में सबसे हाई चल रहा है और इसके साथ साथ जर्मनी इकोनॉमिकली पूरे यूरोप में सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री कंसिडर किया जाता है, जिससे इसका जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो कुछ हद तक कंपनसेट हो सकता है। लेकिन ऑल दो स्टिल मच बेटर देन अदर एशियन कंट्रीज़। इसी के साथ साथ जर्मनी की जो वेदर कंडीशन है उसका आपको कि कुछ भी नहीं बता सकते। यहाँ पे वेदर कंडीशन बहुत अनफॉर्चुनेट सी होती है, आपको कोई अंदाज़ा नहीं होता। आप विदाउट अम्ब्रेला बाहर निकलते हैं और बाहर आपको बारिश मिल जाती है। तो यहाँ की वेदर कंडीशन भी बहुत अजीब सी है। इसके अलावा जो मैंने यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व की बात वो एक हेयर कटिंग से रिलेटेड है, क्योंकि मैंने जब यहाँ पे हेयर कटिंग मुझे करवाने में काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस आती है, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली जो हेयर कटिंग की शॉप्स हैं वो या तो सीरियन की होंगी या आपको लेबनानीज़ या उसके अलावा जर्मन होते हैं।
तो यहाँ पे, और उनको समझाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि दे कैन स्पीक ओनली जर्मन या अरेबिक, और हमसे जर्मन इतनी अच्छी नहीं बोली जा सकती, तो उनको समझाने के मुझे काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस आती है। और इसके अलावा कुछ हद तक पाकिस्तानी भी होते हैं, लेकिन वो बहुत चंद होते हैं और बहुत दूर दूर उनकी शॉप्स होती हैं, तो या तो उनके लिए बहुत दूर जाना पड़ता है या उसके अलावा आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी, जो कि मैं भी करता हूँ डिफ़िकल्टी इस चीज़ में फेस। तो अभी चलते हैं, अभी मुझे अपनी कुछ शॉपिंग करनी है और कुछ ग्रोसरी की शॉपिंग भी करनी है, तो अभी मैं चलता हूँ और आपको आगे साथ साथ बताता हूँ। तो लेट्स गो। अभी मैं कॉफलैंड आया हूँ कुछ ग्रोसरी करने, अभी यहाँ पे ग्रोसरी करते हैं। अभी मुझे एक सेल्फ टेस्ट वाला, जो कि फ्री में सेल्फ टेस्ट था, वो मिल गया था, तो मैंने कहा पहले सेल्फ टेस्ट कर लिया जाए अपना, जो कि एक स्ट्रेस टेस्ट भी था, तो वो मैं कर रहा था। और अभी मैं कॉफलैंड आया हूँ, तो या अभी यहाँ से चीज़ें ख़रीदने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा जो मैंने ऑब्ज़र्व की, वो ये थी कि यहाँ पे वेगिटारिश या वेगान का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा है, और जैसा कि हमारे पाकिस्तान में मुझे ये बहुत कम देखने को मिला, या मैं फ्रेंकली स्पीकिंग बताऊंगा, मुझे पाकिस्तान से आने से पहले इस कंसेप्ट के बारे में पता भी नहीं था, लेकिन यहाँ पे दो तीन तरह के कंसेप्ट पाए जाते हैं, जो कि वेगिटारिश है, वेगान है, और एक जो नॉर्मल पर्सन होते हैं। अब वेगिटारिश और वेगान में ये डिफरेंस होता है कि जो वेजिटारिश होते हैं वो सिर्फ फ्लैश नहीं खा सकते, और जो वेगान होते हैं वो फ्लाई से मुराद कि कोई किसी किस्म का गोश्त या मीट वगैरह नहीं खा सकते, और जो वेगान होते हैं वो मीट भी नहीं खा सकते और डेयरी की कोई भी प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करते, और इसके अलावा वो एग्स वगैरह भी नहीं खाते, तो ये इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अभी हम अंदर मैं जाऊँगा ग्रॉसरी करने, तो यहाँ पर एक और चीज़ जो मैंने ऑब्ज़र्व की थी, जर्मनी में मोस्टली जो ग्रॉसरी की प्रोडक्ट्स होती हैं उनमें न्यूट्री स्कोर लिखा होता है, जो कि मैंने काफ़ी अच्छा, यहाँ पे हर तरह के आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएगी, यहाँ पे आपको नेचुरल प्रोडक्ट्स, बियो प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं वो भी मिलेगी, और यहाँ पे प्रिजर्वेटिव के साथ जो प्रोडक्ट्स होंगी वो भी मिलेंगी। तभी मैं आपको अंदर इस प्रोडक्ट्स के उपर, और जो हर प्रोडक्ट्स होती है उस प्रोडक्ट्स के ऊपर उसका लिखा होता है कि ये किसके साथ है, इसका न्यूट्री स्कोर क्या है, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा और ऐसे ही प्रोडक्ट्स और मज़ीद दिखाऊंगा। ये मैंने एक जर्मनी में बड़ी अच्छी चीज़ ऑब्ज़र्व की कि इंसान जो भी कोई अगर नेचुरल चीज़ खाना चाहता है तो वो नेचुरल खा ले, और कोई प्रिजर्वेटिव से मिली चीज़ खाना चाहता है वो खा ले। ऑफ कोर्स इनके प्राइस में डिफरेंस होगा, जो नेचुरल चीज़ होगी उसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा होता है, जो बियो चीज़ होती है। तो अभी चलता हूँ और आपको वो दिखाता हूँ। अभी मैं आपको एग्जांपल के तौर पर ये एक प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ, इट्स अ क्रिस्पर ब्रेड, इट्स लाइक कुकीज़ टाइप होती हैं, लेकिन इसके नीचे आप ये न्यूट्री स्कोर देख रहे होंगे जो कि ए बी सी डी और ई है। ए का मतलब होता है ऑर्गेनिक या न्यूट्रिशनस फुल, और सी जो होती है उसमें प्रिजर्वेटिव ऐड होते हैं, तो इसमें ऑर्गेनिक या न्यूट्रिशनस क्वान्टिटी सबसे ज़्यादा है। और इसके अलावा ये वेगान का टैग भी देख रहे होंगे, तो ये वेगान प्रोडक्ट भी है। अब इसी तरह मैंने ये एक प्रोडक्ट उठाई है, इट्स लाइक अब ये एक सैंडविच ब्रेड होती है, लाइक और पिज़्ज़ा ब्रेड इसको कह सकते हैं, इसके अंदर फिलिंग होती है। अब देखें इसके ऊपर न्यूट्री स्कोर, देखें आपको डी नज़र आ रहा होगा जो कि इसका लेफ्ट है। और अगर मैं इसी में ही आपको एक और ये एग्जांपल दिखाऊँ, ये है टूना फिश के साथ है, और इसके न्यूट्री स्कोर बी। तो इसी तरह यहाँ पे हर मोस्टली प्रोडक्ट के ऊपर न्यूट्री स्कोर लिखा होता है, जो कि इंडिकेट करता है कि ये न्यूट्रिशन वाइज ये प्रोडक्ट कैसी है। और ऐसे ही इसी तरह मैं अगर आपको बियो प्रोडक्ट से रिलेटेड बताऊं, तो जर्मनी में बियो प्रोडक्ट्स इस तरह का होता है, उसका बियो लिखा होता है लाइक नेचुरल प्रोडक्ट, लेकिन जर्मनी में भी बियो प्रोडक्ट्स के दो स्टैंडर्ड हैं, जो कि एक तो यूरोपियन स्टैंडर्ड है और एक जर्मन स्टैंडर्ड है। तो ये आपको देखना होता है कि ये यूरोपियन स्टैंडर्ड की बियो प्रोडक्ट है या कि जर्मन स्टैंडर्ड की बियो प्रोडक्ट है, तो ये दो चीज़ होती है। तो ये मैंने न्यू चीज़ें में मैंने यहाँ पर जर्मनी में आके न्यू चीज़ें ये भी सीखी हैं मैंने। अभी मुझे और कुछ शॉपिंग करनी है रिलेटेड टू सम क्लॉथ्स, तो अभी मैं यहाँ से बैठ जाता हूँ और कुछ और शॉपिंग करते हैं, तो लेट्स गो।
अच्छा, तभी शॉपिंग के बाद मैं ये स्टुटगार्ट की सबसे फेमस जगह जो कि सिटी सेंटर में श्लोस प्लाज पे, यहाँ पे आके भी बैठा हूँ और मेरे सामने इस वक्त एक काइंड ऑफ धरना सा चल रहा है। तो या अभी एक लास्ट पॉइंट जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो है रिलेटेड टू रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन और जो फीमेल के बुरके से रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशन होती है। तो अभी तक मैंने जर्मनी में कोई ऐसी चीज़ फेस नहीं की, ना कोई रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, ना मेरे सामने कैसे वाकया है जो कि लेडीज़ के बुरके रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशन में हो। अदरवाइज अगर मैं और मज़ीद बात करूँ तो मैंने कुछ रेसिज्म फील किया है टुवर्ड्स, अगर आप ईस्ट की तरफ जाते हैं, लेकिन वेस्ट की तरफ ऐसा कुछ नहीं है। और वो रेसिज्म भी जस्ट इस चीज़ को लेके आया कि वो समझते हैं कि जर्मनी इज़ ओनली फॉर जर्मनी जर्मन पीपल, और यहाँ पे जो आउटलैंडर यानी कि जो फॉरनर्स होते हैं जर्मनी फॉरनर्स के लिए नहीं है। तो इस चीज़ को लेके मैंने थोड़ा सा रेसिज्म फेस किया है, वो भी सिर्फ ईस्ट की तरफ अगर आप जाएँ जर्मनी के, अदरवाइज़ वेस्ट वाली साइड पे ऐसा कुछ भी नहीं है, वेस्ट साउथ और नॉर्थ में ऐसा कुछ नहीं है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन को लेके मैं नहीं कहूँगा कि ऐसा कुछ यहाँ पे है। और इसके अलावा जो रिलेटेड टू अदर फिज़िकल एक्टिविटीज़ जर्मनी को मैं ले कर अगर मैं बताऊँ तो मैंने यहाँ पे बहुत फिज़िकल एक्टिविटीज़ की जिसमें कुछ स्पोर्ट्स भी थी, और उसके अलावा जिम वगैरह जाना ये सब को, तो ये भी मैंने जर्मनी में एक न्यू चीज़ एक यहाँ पे ऑब्ज़र्व की, न्यू चीज़ें ट्राई की ले कर, जो कि वक्त के साथ आती रही और जाती रही। तो मेरी नज़र में ये सब जो मैंने आपसे डिटेल शेयर की है ये सब मेरी ऑब्जर्वेशन थी, या जो मैंने मेरा जो 3 साल का एक्सपीरियंस था वो है। तो हो सकता है किसी का कुछ और होगा, तो या मेरे लिहाज से ये था। तो मेरा ख्याल है आपके इस सब एक्सपीरियंस को लेके अभी के लिए इतना ही। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और एक्सपीरियंस के साथ किसी और टॉपिक पे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।